गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसर पुलिस चौकी अंतर्गत एकला बंधे के पास से पुलिस ने एक युवक और एक महिला को 10 किलो 250 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा। आपको बता दें, महिला की पहचान बिहार के सिवान निवासी राजेश की पत्नी के रूप में हुई। वर्तमान में वह किराए पर कमरा लेकर दाऊदपुर में रहती है। वहीं युवक की पहचान राजेंद्र निवासी रामगढ़ताल के झगवा के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने बताया कि यह लंबे समय से गांजा की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तारी करने वाली टीम में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, सिपाही अभिनंदन रामजीत आदि शामिल थे। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता पूर्वक जांच पड़ताल की जा रही है। इससे जुड़े अन्य कारोबारियों को जल्द पकड़कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने कहा, ऐसा है, कल सुबह के टाइम एसओ गीडा द्वारा एक महिला और एक पुरुष दो लोग मोटरसाइकिल पे कुछ सामान लेके जाते दिखे। संदिग्ध लगने पे एसओ के द्वारा रोका गया और चेक किया गया तो उसमें ये मालूम हुआ कि वो गांजा है। जब उसको वेट किया गया तो 10 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ। ये अभियुक्तगण एक राजेंद्र सानी सन ऑफ शुभकरण उरवा नहीं झरवा पीएस रामगढ़ताल और ये दूसरा जो महिला थी वो महिला दोनों एक दूसरे को जानते थे और वो लेकर के जा रहे थे। उनको बरामद करके और मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया जाए। सर, उनका और भी कोई साथी है, कहाँ से लाते थे और कहाँ इसको पकड़ करते? उसको देखिए गहराई से छानबीन की जा रही है। अभी उसमें हमको लगता है कि और लोग हैं जो कि उसमें सम्मिलित हैं। इस तरह से एक इनका ग्रुप है, वो उसकी जांच गहनता से की जा रही है और प्रकाश में आने पे वो भी पकड़ में आ जाएंगे जल्दी।